इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि CAA और NRC के प्रोटेस्ट के दौरान जो जामिया हिंसा हुई थी उसके आरोपी शर्जील इमाम को आरोप मुक्त कर दिया गया है। शर्जील इमाम के साथ आसिफ इकबाल को भी आरोप मुक्त कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली दंगों से जुड़े हुए मामले में शर्जील इमाम आरोपी है, लिहाजा उसे अभी जेल में ही रहना होगा। जामिया में हुई हिंसा के मामले में शर्जील इमाम को आरोप मुक्त कर दिया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 2019 में जो हिंसा हुई थी ये वो मामला है। साकेत कोर्ट ने शर्जील इमाम और आसिफ इकबाल तनहा को आरोप मुक्त कर दिया है। दोनों पर आईपीसी के सेक्शन 143, 147, 148, 149 सहित कई धाराओं में FIR दर्ज की गई थी। हालांकि शर्जील इमाम दिल्ली दंगों से जुड़े हुए दूसरे मामलों में भी आरोपी है, तो ऐसे में शर्जील को अभी कस्टडी में ही रहना होगा। स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में शर्जील और आसिफ को आरोपी बनाया। प्रमोद और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, जामिया वाली हिंसा में आरोप मुक्त, लेकिन दंगों का केस अब भी है। जी बिल्कुल, 2019 को 15 दिसंबर को जो जामिया यूनिवर्सिटी है उसके बाहर जो है हिंसा हुई थी, उस मामले में जामिया नगर पुलिस स्टेशन ने एक FIR दर्ज की थी जिसमें शर्जील इमाम और आसिफ अली तनहा को आरोपी बनाया गया था। क्योंकि 15 दिसंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद आगजनी के बाद ही जो शाहीनबाग का प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ था, और सबसे पहले शाहीनबाग पर बैठने वाला भी शर्जील इमाम था। इसके को खिलाफ जो है साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की थी उस पर कोर्ट ने जो है जो एलिगेशन लगे थे, जो आरोप थे, उससे आरोप मुक्त जो शर्जील इमाम को और जो आसिफ अली तना है दोनों को कर दिया गया है। लेकिन जो शर्जील इमाम है वो अभी भी जेल के अंदर रहेगा, क्योंकि फरवरी में 2020 में जब दिल्ली दंगे हुए थे उस पूरे दंगे की जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी उसमें शर्जील इमाम, उमर खालिद, आसिफ अली तना और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था कि किस तरीके से पूरी कॉन्स्पिरेसी रचने के बाद एक सुनियोजित तरीके से फरवरी के महीने में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा पे होंगे तो हिंसा की जानी है, तो इसको लेकर एक UAPA का मामला दर्ज किया था। सेडिशन का केस जो है वो उमर खालिद और शर्जील इमाम के ऊपर लगाया गया था और तब से ही वो जेल में लगातार बंद है। तो उस मामले में अभी जो है ट्रायल चल रहा है, लेकिन जो अलग जो FIR दर्ज हुई थी, क्योंकि जिस केस में जो डिस्चार्ज किया गया है जो एलिगेशन जो सेक्शन थे उसमें वो जामिया नगर की जो हिंसा हुई थी जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर जो CAA के प्रोटेस्ट को लेकर जो है एक मार्च बुलाया गया था जो बिना अनुमति के मार्च किया जा रहा था और उसके बाद जो है पुलिस वालों के ऊपर पथराव कर दिया गया था और गुस्साई भीड़ ने और छात्रों ने गाड़ियों में आग लगा दी थी, काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई थी, उस मामले में आरोपी शर्जील इमाम और आसिफ अली तनहा को भी बनाया गया था। लेकिन सबूतों के अभाव में साकेत कोर्ट ने दोनों को जो है आरोपों से मुक्त कर दिया है। जी, ये राहत भरी खबर शर्जील इमाम। तो जामिया वाली हिंसा में आरोप मुक्त, लेकिन दंगों वाला केस अब भी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद इस जानकारी के लिए।